पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर जिले में आई बाढ़ को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने मंदसौर की जनता से अपील की है कि वो सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। विपदा की इस घड़ी में पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा हुआ है। शिवराज ने कहा कि मंदसौर में बाढ़ राहत के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ, मंदसौर जिला कलेक्टर और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया से चर्चा की है और बाढ़ पीड़ितों को शीघ्र राहत देने की मांग की है। मंदसौर के अधिकांश मोहल्ले जलमग्न हो चुके हैं। खानपुरा, शनि मंदिर, भगवान पशुपतिनाथ मंदिर, सीतामऊ फाटक, बादरी गांव, इटाली गांव, मैनपुरिया, बागड़ी, हैदरवास, अभिनंदन क्षेत्र, यशनगर, संजीत नाका, धान मंडी, घंटाघर, सम्राट बाजार, बंडी का बाग, पारस कॉलोनी, बेरी खेड़ी, सुल्तानिया, पुरानी सोनगढ़ी, टोलखेड़ी पंचायत का नाईखेड़ा गांव, हासली गांव, आठिया पत्तु गांव, इसके सहित अनेकों गांव पानी में डूब रहे हैं, बाढ़ से घिरे हुए हैं। स्थिति देखकर मन उद्वेलित है। इस समय हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। मैं मंदसौर की जनता से, बाढ़ प्रभावित भाई और बहनों से अपील करता हूँ, वो धैर्य न खोए, साहस न छोड़े, सुरक्षित स्थान पर शरण लें, सतर्क रहें। वो अकेले नहीं है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। मेरी यशपाल सिसोदिया जी से अभी चर्चा हुई है, विधायक जी से, वो चिंतित है। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है, कलेक्टर से बात की है और आग्रह किया है कि इस समय सरकार, प्रशासन, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी, स्वयंसेवी संगठन सब मिलकर इस बाढ़ की परिस्थिति से मुकाबला करें। मेरी सभी समाज सेवियों से, समाज के हर भाई और बहन से प्रार्थना है कि समय जो हो सके बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जरूर करें।